मंगलवार को छाता कस्बे में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परस्पर स्नेह एवं भाईचारे के प्रतीत ईद के इस पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुरानी जीटी रोड स्थित शाही ईदगाह पर नवाज अदा की और देश में अमन और चैन के लिए दुआ मांगी। नवाज अदा करते हुए सभी लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं कस्बे में मरकज वाली मस्जिद में ईद उल फितर की नवाज बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। इस अवसर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कस्बे में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अति संवेदनशील इलाकों में सुबह से ही पुलिस तैनात कर दी गई। वहीं नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई के भी खासे इंतजाम किए गए। वहीं गन्ना व चीनी मिल कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने छाता नगर के व्यवसायी सलीम पाठक के आवास पर ईद मिलन समारोह में भाग लिया। वहीं व्यवसायी सलीम पाठक ने कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का नोटों की माला व साफा पहना कर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मंच से सभी नगरवासियों को ईद मुबारक, अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब सभी धर्मों के मानने वालों का कोई त्योहार पड़ जाए एक साथ। या तो दो राष्ट्रीय त्योहार ऐसे पड़ते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त, जो इस देश में पैदा होने वाला हर बच्चा बच्चा जिनको मनाता है, या तो वो दो त्योहार है। और या कभी कभार ऐसा होता है, एक बार और दीपावली भी पड़ गई थी ईद के साथ, एक बार दशहरा भी ईद के साथ पड़ा थी। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं हो सकता कि जहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हों और उनके एक साथ इस तरह के त्योहार पड़ जाए और इतनी अमन और चैन से वो त्योहार बन जाए। केवल ऐसा ये इसीलिए ये कहा गया है हमारे देश में अनेकताओं में एकता है। यहाँ की भाषा कुछ और, 4 किलोमीटर चले जाओ सैमरी की भाषा कुछ और, यहाँ का पानी कुछ और है, गुहारी में और चंदौरी में चले जाओ पानी कुछ और, खान पान भी 8-10 किलोमीटर पे बदलने लगते हैं। इतनी अनेकताएं होने के बावजूद भी किसी सब एक है।